पर वहाँ रूल ऑफ लॉ है तो जमहूरियत है, क्योंकि अदालतें आज़ाद हैं, सुप्रीम कोर्ट जब बात करता है तो एकदम हर एक उसकी बात सुनता है, पे सुनता है और ठीक मानता है। है। यहाँ रूल ऑफ लॉ की कमी थी। रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत एक ऐसा पौधा है जो धूप में आपने खड़ा कर दिया और उसको पानी नहीं दे रहे। एवरीथिंग वॉज लिंक्ड विद दैट, एवरीथिंग वॉज लिंक्ड विद ठीक दैट है, एंड विद रूल ऑफ लॉ कम्स इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। सरमायाकारी उन्हीं ममालिक में होती है जहाँ अदालतें आज़ाद हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल में पहली दफ़ा अदालतें सही मानों में आज़ाद हुई हैं इस तहरीक के सही, बदौलत। और मेरे ख्याल में तो अगले 3-4 साल में अगर अदालतों के खिलाफ साजिशें ना हुई तो, और जज साहिबान को काम करने दिया गया कानून और आईन के मुताबिक, बीच में गलतियां करेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, गलतियां भी करेंगे, ऐसे फैसले भी आएंगे जिनसे आपको, मुझे और बहुत से लोगों को इख्तलाफ होगा, लेकिन अगर अदलिया आज़ाद होगी तो दैट्स एन इंडिपेंडेंट तो एंटिटी, सरमायाकार को, इन्वेस्टर को ये यकीन होता है कि यहाँ मेरा मायदा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, ठीक है, मेरे मायदे पे अमल दरामद ज़रूर होगा, सही, वो पैसा ला के इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने में, और ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं तो दैट समझता हूँ सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स अब्रॉड एज वेल, ठीक है, अब्रॉड उसके ठीक है, लिए आज़ाद अदलिया इट्स बहुत ज़रूरी है। बड़ी ज़रूरी है। अच्छा सर, मूवमेंट पे हम दोबारा आएंगे। आई वॉन्ट टू गो इन टू योर चाइल्डहुड राइट नाउ बिकॉज वी ट्राई टू डिटर्मिन के हाउ डिड यू बिकम द पर्सनैलिटी यू आर टूडे, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स हैं बाहर हु वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल लॉयर्स एंड दिस वुड बी अ गाइडलाइन फॉर देम कि सही तरीका क्या है। तो एचसन कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? एचसन में मैं अच्छा स्टूडेंट था अच्छा पर बेहतरीन नहीं था। अच्छा मेरे दोस्त साले तरीन और ताहिर जहांगीर और एक पहले रफ़ी जमालुद्दीन हुआ करते थे, ये अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आते थे, जी, पर मैं भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न में पास यकीनन होता था, ठीक है, कि सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान में भी, हायर सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान में भी। लेकिन मैं साथ क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था, विकेट क्रिकेट में कीपर आपको था, काफी इंटरेस्ट, विकेट ठीक कीपर है, था, ओपनिंग बैट्समैन था स्कूल में, और मैं साथ साथ मुकर्रर था, कॉलेज का बेहतरीन मुकर्रर भी ठहराया गया ओके। 1963 में। उस वक्त क्या ख्याल आता था कि मैंने बड़े होके क्या बनना? बहुत कुछ सोचते थे उस वक्त, लेकिन ख्वाहिश कुछ ये थी कि सियासत में आने का, क्योंकि वालिद और दादा की और एक लेगेसी वालदा थी, की एक ठीक है, लेगेसी थी ठीक है, एक्टिविज़म की। ठीक है, तो मैं स्कूल में भी ज़रा पॉलिटिकली एक्टिव होता था, प्रिंसिपल साहब ठीक के है, साथ मेरा इख्तलाफ रहता था, अच्छा, हाँ, और मैं बात कर देता था ज़रा बेबाकी से। ठीक है, तो लेकिन एचसन में हमारे असातिज़ा बड़े अच्छे हुआ करते थे ओके, और बड़े मेहनत से पढ़ाते थे ठीक है, और कैरेक्टर फॉर्मेशन की कोशिश करते थे। वो बहुत से हम में से बिगड़े हुए बच्चे भी थे, अच्छा, अमीर घरानों से बिगड़े हुए बच्चे, बिगड़े भी आते थे और बिगड़े हुए चले से जाते क्या थे। फ़र्क महसूस होता है अब जैसे आजकल लोगों के बच्चे जाते हैं दोबारा स्कूल्स में, उसी सिस्टम में आपके नज़दीक क्या फ़र्क आया है, क्या तब्दीली आई है? ये जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है या ये जो वैल्यूज़ उस वक्त जैसे आपने कहा सिखाई जाती थी, डू यू थिंक कि उनमें कोई तब्दीली आई है? आर दे देयर टुडे या एक ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है? मेरा ख्याल है बहुत, एक तो कमर्शियल हो गया, ठीक है, एक करियरिज्म ज़्यादा हो गया, बड़ी ज़्यादा आ गई है ठीक, दे बच्चों आर मोर में, एम्बिशन करियर, ओरिएंटेड, हाँ, ठीक है, करियरिज्म अपनी करियर को बनाने के लिए ठीक है, ज़्यादा कोशन लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत से नौजवान आज भी ऐसे नज़र आते हैं जिनकी आंखों में अब ख्वाब बसने शुरू हो गए और करियरिज्म अच्छा, कम हो गई है। गरीब को खुशहाल देखना चाहते हैं और चेंज चाहते हैं, ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, फंडामेंटल चेंज, लेकिन नॉन वायलेंट मींस के ज़रिए, थ्रू, ठीक है, शऊर पैदा करके। ठीक है सर। आफ्टर द गवर्नमेंट कॉलेज यू वेंट अब्रॉड, तो क्या कल्चरल शॉक था? थोड़ा सा फील हुआ, वॉज इट टफ फॉर यू टू हाँ, एडजस्ट अ बिट? एक्चुअली एचसन के बाद गवर्नमेंट कॉलेज आना भी एक कल्चर शॉक था। अच्छा, वो देर इज अ एकदम ड्रास्टिक एकदम दीवारें रास्ते से सेटिंग, हट गई, इर्द गिर्द। एचसन कॉलेज बड़ा क्लॉस्टर्ड, बंद, जिस तरह ठीक है, चार दीवारी के अंदर ठीक है, है,
گورنمنٹ کالج میں یکدم لگا پاکستان آ گئے. اچھا حقیقت ہے واپس آ گئے. اور دوست تھے بہت, شاعری ہو رہی ہے, مضامین لکھے جا رہے ہیں, راوی جو ہے دریائی نہیں رسالہ راوی وہاں سے ہم نکالتے تھے, وہ دوست ایڈیٹوریل بورڈ میں ہے, بڑا اچھا رسالہ نکال رہے ہیں. سرمد صاحب بھائی نظمیں لکھ رہا ہے زمیں کے اس عہد کربلا میں, اور ایسی نظمیں اور غزلیں اور شاعری کر رہا ہے, شعیب ہاشمی ڈرامے میں سکھا رہا ہے ہمیں. اور ایک محسوس ہوا کہ ایک آزاد فضا میں ایک پنچھی آ گیا.